हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई सीरीज जिसका नाम है इनटू द नाइट। इस सीरीज में आपको तकरीबन 6 एपिसोड देखने मिलेंगे। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 40 से 30 मिनट के बीच में नजर आता है। ये एक साइफाई थ्रिलर सीरीज है। अगर इस सीरीज की कहानी की बात करूं तो कहानी शुरू होती है ब्रुसेल एयरपोर्ट से, जहां पर हमें एक इटालियन सोल्जर नजर आता है। वो ब्रुसेल से मॉस्को जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जैसे ही यहां पर सनराइज होगा वैसे सारे लोग मर जाएंगे। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे ये सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो इस सीरीज का जो आइडिया है वो आइडिया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ऑल्दो इस सीरीज देखते टाइम मुझे हॉलीवुड की एक मूवी 2012 की याद आ रही थी, लेकिन 2012 का जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली डिफरेंट है। उस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो बजट है वो बजट तो इतना है नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ये सीरीज देखने बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा इस सीरीज में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स, लिटरली हर एक एपिसोड में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलता है, जिस वजह से आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगती है। और इस सीरीज की लेंथ भी इतनी नहीं है, तकरीबन 3.5-4 घंटे के बीच में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है, और एक ही टाइम में आप ये सीरीज को आराम से खत्म कर लोगे। उसके अलावा इसमें कैरेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर 6 मेन कैरेक्टर्स जितने मिलते हैं, उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स है, लेकिन जो 6 मेन कैरेक्टर जैसे कि सिल्विया, जाकूब, टेरेंजियो, मैथ्यू, रिक और अयास, ये कुछ 6 कैरेक्टर्स जिनके ऊपर ही पूरे 6 एपिसोड्स भी है। और यही 6 कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप भी किया, और 6 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स आपके फेवरेट हो जाते हैं, कुछ से आप नफरत करते हो, लेकिन यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगे वो अयास और एक टेरेंजियो। अब वो क्यों अच्छे लगे उसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं सीरीज की बीजीएम की बात करूं तो मुझे बीजीएम भी बहुत अच्छा लगा, सीजीआई भी सीरीज का बहुत अच्छा है, और कुल मिला के इसका जो मेन जान है वो इसका कॉन्सेप्ट है और एक्टर्स का परफॉर्मेंस है। सभी एक्टर्स ने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया, सबका ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा इस सीरीज की अगर नेगेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पर जो सन वाला कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करके नहीं दिखा कि सन अचानक इतना भौकाल क्यों हो गया। ऑल्दो एपिसोड 2 में वो लोग कुछ कोशिश कर रहे थे एक्सप्लेन करने की, लेकिन पूरा श्योरली यहाँ पर लोगों ने भी एक्सप्लेन किया नहीं है। आई थिंक वो सब कुछ हमें सीजन 2 में देखने मिलेगा। मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 10 में से 7, मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को जरूर देखना। लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो एडल्ट सीन्स इतने ज्यादा है नहीं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। आई थिंक कुछ 1-2 एपिसोड में एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के, और एक किसिंग सीन देखने को मिलेगा जिसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके भगा के देख सकते हो अगर आपको ये फैमिली साथ देखना है तो। उसके अलावा ये सीरीज आपको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, तो जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हो जरूर देखें, और जो लोग फ्रेंच में देखना चाहते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच में जरूर देखना, और जो लोग हिंदी में देखते आते हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उनको इतना बोलूंगा प्लीज इसको इंग्लिश में जरूर देखना, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो, साथ ही बेल आइकन उसमें सबसे जो ऊपर वाला टॉप का है उसको क्लिक करना, और प्लीज इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।